एग्जीक्यूटिव डिग्री इतने साल में करना होगा पूरा, नहीं तो हो जाएगी डिग्री कैंसिल। हेलो गाइस, कितने साल तक हम बैक दे सकते हैं, कितने साल तक में डिग्री कंप्लीट करना होता है, कितनी बार बैक पेपर दे सकते हैं, टोटल कितनी बार है, कितना चांस मिलता है एग्जीक्यूटिव, अगर पूरा नहीं हुआ कोर्स तो फिर क्या होगा, डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बीटेक कितने साल में है टोटल डिग्री कंप्लीट करने का। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी नोटिस। देखिए मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल सर्कुलर है एग्जीक्यूटिव का, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहले आप दे सकते हैं अवधि वगैरह, बीटेक की 4 साल की होती है, आपको पता है लेटर वालों के लिए 3 साल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो इनका रूल लिखा है, ठीक है, ये ऑफिशियल से ही बता रहा हूँ, ठीक, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना आपको। यहाँ पर मेंशन है कि प्रथम वर्ष के बीटेक में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश की तिथि से 7 शैक्षणिक वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसे पाठ्यक्रम को बंद करना होगा। लेटरल एंट्री यानी कि द्वितीय वर्ष में जो बीटेक के तहत एडमिशन लेते हैं उन छात्रों को पहले वर्ष की पहले प्रवेश की तारीख से, यानी पहले प्रवेश की तारीख से 6 शैक्षणिक वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें पाठ्यक्रम को बंद करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है बीटेक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव 7 बार, जैसे मान लीजिए आपने 2020 में एडमिशन ले 2027 तक आप, यानी कि कम से कम 7 बार आप दे सकते हैं 2020 से। और अगर आपका बीटेक लेटरल एंट्री है आपने 2020 सेकंड ईयर में लिया तो फिर आपको 6 साल का और टाइम मिलेगा, वो भी शैक्षणिक वर्ष। तो इस तरीके से आप पूरी डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। आगे इन्होंने एक चीज़ और दिया है, एक उम्मीदवार जो किसी भी कारण से पहले वर्ष में 2 बार फेल हो जाता है, तो या तो उसकी उपस्थिति के कारण या उसे यानी अटेंडेंस वगैरह के कारण या फिर परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था, तो आगे उसकी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष में 3 बार जारी रखना चाहता है, 3री बार जारी रखना चाहता है, तो उसे ऐसी अनुमति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अनुमति अधिकतम समय वही रहेगा जो खंड। देखो इसमें क्या है, और एक चीज़ और आप याद रखो, अगर आप बीटेक में आप डिग्री पूरी लेना चाहते तो कम से कम आपके 160 क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हमें मेंशन है कि बीटेक डिग्री के लिए न्यूनतम क्रेडिट 160 आवश्यकता होती है। इसमें देखो मेन चीज़ जो हमारा यही था कि बीटेक कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको जिस दिन एडमिशन लिए उसे 7 बार आपको 7 साल तक का समय देता है एग्जीक्यूटिव, और अगर आप लेटर वाले तो फिर आपको 6 साल का समय देता है एग्जीक्यूटिव, समझ गए, यानी जिस दिन से एडमिशन लिए उसे 6 साल और जोड़ लीजिए लेटर वाले, और अगर आप रेगुलर वाले हैं फर्स्ट ईयर वाले तो फिर आप 7 साल और जोड़ लीजिए, 7 साल तक में आपको बीटेक की डिग्री पूरी कंप्लीट करनी होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई और कंफ्यूजिंग है, और 160 क्रेडिट टोटल होना चाहिए तभी आपको एग्जीक्यूटिव डिग्री मार्कशीट मिलेगी, अदरवाइज डिग्री आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो ड्यूरेशन है उस 6 से 7 साल में अगर आप बीटेक पूरा नहीं कर पाते तो फिर आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, पाठ्यक्रम पूरा आपका बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहरहाल ऐसा होता नहीं है। और एक चीज़ इसमें बेनिफिट है, जब से स्पेशल कैरियर हो गया है तो इससे आपका बेनिफिट ये है, जैसे मान लीजिए आपका 2023 में आपका 7 साल हो जाएगा, ठीक है, यानी अब आप और आपकी क्लियर नहीं हुई, लेकिन स्पेशल कैरियर तब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशल कैरियर देने से आपका डिग्री 2022 लिखा जाएगा, तो इसलिए स्पेशल कैरियर देने से 1 साल का और फायदा हो गया है सभी छात्रों का, कि जिनकी डिग्री कैंसिल हो रही थी उनको 1 साल का और चांस दे दिया है एग्जीक्यूटिव ने, तो ये अच्छी बात है। बाकी कोई डाउट अगर फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके वहाँ से मेंबरशिप सेक्शन में जाके हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, और ग्रुप में भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। उसके लिए कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक करें, इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर।